हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकृति, आप सभी का मेरे चैनल सरकारी सोर्स में स्वागत है। दोस्तों, UPSSSC के लेटेस्ट अपडेट की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी 30 मई को मंडी परिषद का एग्ज़ाम हुआ था, और जिसके बारे में हमने बात की, काफ़ी लोग जो लोग एग्ज़ाम देकर आए थे तो उन्होंने बोला कि पेपर काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का आया था, पेपर काफ़ी अच्छा था, उसमें काफ़ी टिपिकल था, जितना कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उससे भी बहुत ज़्यादा लेवल की उन्होंने रीजनिंग काफ़ी अच्छी लेवल की दी थी, क्योंकि एग्ज़ाम जो है वो TCS ने कंडक्ट किया था, जिसके लिए उन्होंने पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा रखा था। तो जैसे कि काफ़ी लोग उम्मीद कर रहे थे UPSSSC में कि पेपर बहुत नॉर्मल आएगा, तो उसको देखते हुए पेपर ऐसा नहीं आया, पेपर का अच्छा खासा लेवल था। और काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी निराश हैं, क्योंकि उनका एग्ज़ाम ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था उस तरीके से एग्ज़ाम नहीं आया। तो मेन जो लोग एग्ज़ाम देकर आए हैं मंडी परिषद का, और अब उसकी आंसर की भी आ चुकी है, ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है, सारी सीरीज़ के आंसर्स की अवेलेबल हो चुकी है, और उसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। आप पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को लिंक को फॉलो करें, और देन वहाँ पर आपको सारे के सारे PDFs मिल जाएंगे, सरकारी जॉब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स PDF नोटिस होते हैं वो आपको मेरे सरकारी सोर्स चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे फॉलो कर लीजिएगा, तो आपको वहाँ पे वो सभी आराम से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप देख लेते हैं, और मंडी परिषद के जितने भी कोड्स हैं, पेपर कोड्स हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे अवेलेबल्स हैं, और फर्दर और अदर भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। तो मैं मेनली बात करने आई हूँ मंडी परिषद की, जो आंसर किया आ गया, और काफ़ी लोगों ने अपने क्वेश्चंस मैच कर लिए, उसके अकॉर्डिंग जो पता चला है कि कितनी कट ऑफ गई है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन एनालाइज करके, फुल क्वेश्चंस के एनालिसिस करने के बाद ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है मैंने। तो देख लेते हैं क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और एकदम सटीक है ये जो मुझे पता चला है जितने लोग क्वेश्चन अटैम्प्ट करके, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने लोगों ने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो सबसे पहले जो एक एनालाइज निकला है, मतलब पूरा सर्वे करके निकाला है, उसके अकॉर्डिंग 24% जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 120+ क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 120 to 130 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाए हैं, और 11% ही इतने स्टूडेंट हैं कि उन्होंने 141 to 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो जिसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट किए उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये कट ऑफ बनाई है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस राइट होने पर आप सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों ने देखा ही है कि इसमें वैकेंसी काफ़ी कम है, उसको देखते हुए जो कट ऑफ है भले ही पेपर हार्ड रहा है, क्योंकि साइंस और हिंदी का लेवल ठीक था, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम नहीं जाएगी, बट मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको बता सकती हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे, उसके अकॉर्डिंग ये कट ऑफ जाएगी। तो अभी हम देख लेंगे इसके कट ऑफ। तो उससे पहले यही है कि 11% ही स्टूडेंट है जिन्होंने 141 to 150 क्वेश्चंस वो अटैम्प्ट किए हैं, तो ये था। और काफ़ी लोग बता, तो देख लेते हैं कि और कितनी, मतलब जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जो लोग अटैम्प्ट करके आए हैं वो कितनी रही। तो ये है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने मेरे अकॉर्डिंग बनाई है सभी लोगों का नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट को देखकर। तो जनरल की जो अटैम्प्ट जितने, अगर आप जनरल की जो जा सकते हैं 128 to 132 क्वेश्चंस अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो आपके ठीक क्वेश्चन, मतलब आपका चांस सेलेक्ट होने के चांसेस हैं, क्योंकि इसमें एक ही पेपर है इसलिए कट ऑफ भी थोड़ी सी हाई ही रहेगी इसकी, क्योंकि इसके बाद फर्दर कोई पेपर नहीं है, वैकेंसी भी कम थी, सबसे बड़ी चीज़ वैकेंसीज भी काफ़ी कम थी, तो उसको देखते हुए ये आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा, बट नहीं, क्योंकि इतने क्वेश्चन अगर आप सही करके हैं, अगर आप जनरल से हैं एंड आपने 128 to 132 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। OBC में अगर जाएगी तो 122 क्वेश्चन टू 125 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करके आएँ और आपके मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, मेरा कहने का मतलब आपके कितने क्वेश्चन सही हैं तो आपके काफ़ी चांसेस बढ़ जाते हैं
मंडी में, और SC और ST हैं जो उनके जो कट ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 110 to 118 क्वेश्चंस अगर वो करेक्ट कर कर आए हैं अपने मंडी के पेपर में तो इतनी तो उनके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ बढ़ जाते हैं। तो ये है एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो क्वेश्चंस के बेस पर हमने निकाली है। तो ये है मंडी की कट ऑफ, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें ताकि, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको आगे आने वाले टाइम की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो ये थी मंडी परिषद की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो काफ़ी एनालाइज करने के बाद बनाई गई है, और आगे के टाइम पे ऐसे ही सरकारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स होंगी उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो सब मैं आपको अपने चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराते रहूँगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।